बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू QM। सो इससे पहले कि हम आज का पढ़ाई स्टार्ट करें, आपके फीडबैक की दोबारा से बात करते हैं, तो पहले आप लोगों ने कहा फॉन्ट साइज़ कम है, हमने फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। फिर आप लोगों ने कहा कि स्लाइड्स वाइट वाइट फीकी फीकी मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने फीकी फीकी वाइट स्लाइड्स को कलरफुल कर दिया। तो आज का चैप्टर 4 है वो पर्पल है, फिर चैप्टर 5 जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो हम अपने स्लाइड्स भी रंग बिरंग कर दिए, आप बस पढ़ने वाले बने, हम आपको जितना फैसिलिटेट मैक्सिमम कर सकते हैं वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो क्या होती है? अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन वगैरह और इनइक्वालिटीज से हम आहंग कराया जाता है। क्या ज़रूरत है हमें मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की? सुना होगा बड़ों से या ख़बरों पे कि वसाइल की कमी का सामना है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब पाकिस्तान को वसाइल की कमी का सामना है तो छोटे छोटे बिजनेस को, बड़े बड़े बिजनेस को भी वसाइल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो महदूद लिमिटेड वसाइल के अंदर रहते रहते बिजनेस करना, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाना, अगर बिजनेस की प्रोडक्ट ही एक ही हो तो फिर तो महदूद वसाइल का इतना मसला नहीं है। आपके पास जितने वसाइल हैं आप प्रोडक्शन करें उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा तरह की प्रोडक्ट्स बनानी है फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप इस तरह की प्रोडक्शन करें, 100 यूनिट्स इस वाले यूनिट के बनाए, 100 यूनिट्स उस वाली प्रोडक्ट के बनाए, ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। क्योंकि हर प्रोडक्ट बराबर नहीं होती, कुछ प्रोडक्ट पर टाइम कम लगता है बनाने में लेकिन उनकी प्राइस कम होती है, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो बड़े मुश्किल से बनती हैं लेकिन वो होती महंगी है। तो बिज़नेस को एक बैलेंस रखना होता है कि हम कौन सी प्रोडक्शन करें। और आते हैं अब स्लाइड्स की तरफ। वंस अगेन, स्लाइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी रिलायंस नहीं है, रीडिंग एक दफ़ा आप लोग तसल्ली से कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ से बस स्टेप्स एक नज़र देखेंगे और फिर सचमुच के सवाल का जो है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, मतलब सारे जो स्टेप्स हैं यूज़ होंगे वहाँ से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप्स फास्ट मोड में देखते हैं। स्टेप नंबर 1 होता था डिफाइन वेरिएबल्स। क्या मतलब डिफाइन वेरिएबल्स? कौन से वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स, अगर कंपनी एक से ज़्यादा तरह की प्रोडक्ट बना रही है तो दैट विल बी आर वेरिएबल्स। हमने कहा कि कंपनी जो है वो आटा बेचती है और चीनी बेचती है। वैसे एग्जांपल थोड़ी मज़े की नहीं है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है। तो हमने कहा कि कंपनी बेचती है जो है बेकरी गुड्स, मतलब उसने केक्स बनाने हैं, पेस्ट्रीज बनाने हैं, दोनों में आटा भी चाहिए होगा और चीनी भी चाहिए होगा। तो हम केक्स को कह सकते हैं एक्स और जो है पेस्ट्रीज को हम कह सकते हैं वाई। स्टेप 1 लीजिए, हमने जबानी कर लिया, दैट इज डिफाइन वेरिएबल्स। स्टेप 2 क्या होता है? कंस्ट्रक्ट इनइक्वालिटीज टू रिप्रेजेंट द कंस्ट्रेंट्स। आपने इनइक्वालिटी बनानी है बेस्ड ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वसाइल। हमने कहना है कि भाई हमारे पास सिर्फ 10 किलो चीनी अवेलेबल है और इस 10 किलो चीनी से हमने पेस्ट्रीज भी बनानी है और केक भी बनाने हैं, ये हमारी हो जाएगी इनइक्वालिटी। एग्जैक्टली किस तरह बनाना है वो भी हम सचमुच के सवाल से देख लेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जबानी जबानी। स्टेप 3, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स ऑन अ ग्राफ। ग्राफ हम जबानी तो कोई नहीं बना सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम प्लॉट करना चाहे कि हम अगर सिर्फ चीनी, सिर्फ जो है वो केक्स बनाए तो कितनी चीनी कंज्यूम होगी और कितने केक बन जाएंगे, और अगर हम सिर्फ पेस्ट्रीज बनाएं, ये हमें ग्राफ पे जो है, अगर हम हल्का सा यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश करें, फॉन्ट साइज काफ़ी बढ़ गया तो अब लिखने की जगह कम है, कोई मसला नहीं, इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा जो जिस पे हम कहेंगे कि भाई अगर हम सिर्फ केक्स बनाते हैं तो हम इतने को केक्स बना लेंगे, और अगर हम सिर्फ पेस्ट्रीज बनाते हैं हम इतनी को पेस्ट्रीज बना लेंगे, और अगर हमने इसका कोई मिक्स रखना है इतने केक्स और इतनी पेस्ट्रीज, तो हम इस सारे रीजन के अंदर अंदर रहते हुए प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पेन रखा, यहाँ हमारे पास इतना चीनी अवेलेबल है कि हम केक्स एंड पेस्ट्रीज दोनों बना सकें, लेकिन अगर मैं अपना पेन यहाँ रख दिया तो ये हमारे वसाइल से बाहर है, तो ये जो लाइन है ना इसके अंदर अंदर रहते हुए हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे बाहर रहते हुए हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और इन्हीं बातों में मैंने आपको स्टेप 4 भी रिमाइंड करा दिया। स्टेप 3 में जब आपने ग्राफ बनाया और ये वाली स्ट्रेट लाइन लगा दी, जरूरी नहीं है कि एक लाइन हो, एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं, आपने ये सारी स्ट्रेट लाइंस जो लगा दी उसके बाद जो एरिया आपका पीछे बचेगा जिसके अंदर अंदर रहते हुए आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट विल बी योर फीजिबल रीजन। ऐसा करते हैं, थोड़ी सी और एडवांस तरह की डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले पिछली डायग्राम में सिर्फ एक लाइन थी, एक और हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की। एक लाइन ये रही, समझे ये लाइन है चीनी की,
फिर एक और हमें लाइन लगानी पड़ी किसी और रिसोर्स की, दैट इज मजदूर। मजदूर हमारे पास कम ही है, हम ये नहीं कर सकते कि अनलिमिटेड हमारे पास टाइम जो है वो पेस्ट्रीज बनाने का है और अनलिमिटेड टाइम ही हमारे पास केक बनाने का है। हमारे पास जो मजदूर हैं वो भी लिमिटेड है, हम उसकी भी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे कि भाई अगर हम सिर्फ केक्स बनाएं तो हम, अगर स्ट्रेट लाइन अगर मैं एक बनाऊँ, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी यहाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमारे अगर मजदूर सिर्फ केक्स बनाए तो उतने केक्स बना सकते हैं, समझे यहां था 10 और यहां था 12। लेकिन एक मिनट, यहां इस पॉइंट पे क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या हम 12 केक्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं भाई, हमारे पास चीनी सिर्फ 10 केक्स बनाने की है, तो हम 12 केक्स कैसे बना सकते हैं? बेशक हमारे मजदूरों के पास टाइम है, वेले बैठे हैं, तो ये हमारा जो एरिया है ये फिजिबल रीजन से आउट हो गया। फिजिबल रीजन, हमने ओरिजिन, याद करें चैप्टर 1 यूनिट 2 में हमने ओरिजिन नामी एक चीज़ पढ़ी थी, जहाँ एक्स भी जीरो होता है वाई भी जीरो होता है। ओरिजिन से ऑनवर्ड जहाँ हमें लाइन नज़र आती है ना, वहाँ हमने ब्रेक लगा देनी है, उससे आगे हम नहीं जा सकते, दैट विल बी योर फिजिबल रीजन। ऐसा करते हैं, इसे मजीद कॉम्प्लेक्स करते हैं, एक तीसरी लाइन भी आ गई। हमें ये पता है कि हम जितने मर्जी केक शेक बना लें, 5 केक से ज़्यादा बिकने कोई नहीं। ओहो, क्या ये भी एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं है? हाँ जी, डिमांड भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। एक तीसरी लाइन आ गई, डिमांड 5 केक्स से ज़्यादा केक्स नहीं बनाने। मैंने एक तीसरी लाइन बना दी, ये स्ट्रेट लाइन, एक्स इज इक्वल टू 5 था यहाँ। अब हमारा फिजिबल रीजन क्या है? अब हमारा फिजिबल रीजन यहाँ से यहाँ तक, ये सारा जो बॉक्स है ना, ये हमारा फिजिबल रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? फिजिबल रीजन भी हमने डिफाइन कर लिया, उससे नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो क्या होता है? वैसे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें सवालात में गिवन होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है कि ये एक प्रोडक्ट बनाने से आपको कितना कोई फायदा होगा। अब एक मिनट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो क्या होता है? बताया था पहले मैंने, हाँ जी, चैप्टर 1 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने पढ़ा था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज रेवेन्यू माइनस जो है वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको 95% सवालों में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑलरेडी गिवन होगा। आपसे कहा जाएगा कि प्रोडक्ट ए बनाने से या प्रोडक्ट एक्स बनाने से आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, और प्रोडक्ट बी बनाने से आपका इतना जो है फायदा होगा। स्टेप 6, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आसान अल्फाज में हमने वो एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है जहां आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे मिले। और अगर सवाल मिनिमाइजेशन का हो तो वो पॉइंट जहां आपका कम से कम खर्चा हो। अब एक्स और वाई कैसे निकालें, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां हमारा जो है वो मैक्सिमम है? तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके के जो है वो फॉर्मूलाज, दो जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम इस टाइम एक पे ही फोकस करेंगे क्योंकि उससे 100% सवाल हो जाते हैं, दूसरे में हमें एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये जो है मज़ीद डिटेल है, इस डिटेल आप एक दफ़ा दोबारा कह रहा हूँ आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको जो बेसिक बातें थी वो गाइड कर दी हैं। ये चेक करें, सचमुच का ग्राफ है, यहाँ आपको बताया जा रहा है प्रोडक्ट बी आप मैक्सिमम बनाएं तो इतनी बनेगी, प्रोडक्ट ए आप बनाएं मैक्सिमम इतनी बनेगी। इसके अंदर अंदर रहते हुए आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें, लेकिन इससे बाहर वाला एरिया यहाँ आप नहीं जा सकते। पर्पल के ऊपर रेड अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम कलर चेंज कर देते हैं। तो हम जाते हैं स्ट्रेट एक सचमुच के सवाल पे, लेकिन इससे पहले कि हम सचमुच का सवाल सॉल्व करें, मैं जो कह था दो तरीके कार होते हैं, उन दो तरीके कार में से पहले वाले को देख लेते हैं। उसका नाम है कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहता है? नाम पे गौर करें, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर किसे कहते हैं? कोने को। किस चीज का कोना? फीजिबल रीजन का कोना। वापस चलें, ये फीजिबल रीजन को देखें, इसके कितने कोई कोने हैं? एक कोना ये रहा, इसका नाम हम रख देते हैं, बल्कि ऑलरेडी बुक ने नाम रखा हुआ है, इसका नाम है बी और इसका नाम है ए। इसके सिर्फ दो कोने थे, हमने यहां एक्स और यहां वाई चेक कर लेना है। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि भाई जो आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी ना, किसी कोने पे होगी, किसी, ये नहीं कि आप बीच में कहीं पेन रखें और कहें भाई ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, यहाँ आपके प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। नहीं, आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमम है किसी कोने पे होगा, किसी कॉर्नर पे होगा, दैट इज कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। अच्छा, अगर हम मजीद पीछे जाएं, इस वाली डायग्राम को गौर से देखें, इसमें कितने कोने हैं? एक कोना ये रहा, इसका हमने नाम रख दिया ए, एक कोना ये रहा, इसका नाम हमने रख दिया बी, एक कोना रहा ये, इसका नाम हमने रख दिया सी। वैसे तो हम गौर से देखें, इसका चौथा कोना भी है जिसका नाम है डी, लेकिन वो तो हमें जाहिर सी बात है, जहाँ एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो, तो यहाँ तो प्रोडक्शन मैक्सिमम हो ही नहीं सकती, यहाँ तो आपका प्रॉफिट जाहिर सी बात है जीरो होगा। तो जो ओरिजिन है उस वाले कोने को हम इग्नोर करते हैं और बाकी कोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट आपको मैक्सिमाइजेशन सिखाई जा रही है, इंतहाई इजी चीज़ है, आपने बस वैल्यूज पुट करनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो हम इतना बेसिक सवाल इस टाइम फिलहाल नहीं देख रहे, हमें एक सचमुच का सवाल चाहिए जहां हमारे ये सारे जो स्टेप्स हैं वो टेस्ट हो सकें। तो किधर है वो सचमुच का सवाल, किधर है वो सचमुच, ये आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी इज इक्वल टू 5x + 5y टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। ओ हो, इस सवाल में भी हमें पहले दो स्टेप्स तो बने बनाए मिल गए। स्टेप वन क्या था, अपने डिफाइन वेरिएबल्स करें। आपको x और y तो ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है कि कोई प्रोडक्ट x है कोई प्रोडक्ट y है। अच्छा, अगली बात स्टेप टू कंस्ट्रेंट्स बनाए। कंस्ट्रेंट्स भी हमें बने बनाए मिल गए। क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, डायरेक्ट लेबर 2x + 3y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6000। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि x नामी प्रोडक्ट बनाने में आपके मजदूरों के 2 घंटे लगते हैं, y नामी प्रोडक्ट बनाने में आपके लगते हैं 3 घंटे, और ये दोनों मिला के आपके पास 6000 घंटे टोटल अवेलेबल है मजदूरों का टाइम। आपने इसके 6000 घंटों के अंदर अंदर रहते हुए इन मजदूरों से काम करवाना है, ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट। एक और कंस्ट्रेंट, मशीन टाइम एक्स 4x + y स्मॉलर देन 4000। आपकी जो मशीन है ना वो 1 महीने में 4000 घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकती, जबकि 4x + y का मतलब है प्रोडक्ट नंबर x बनाने में आपकी मशीन के 4 घंटे लगते हैं, और प्रोडक्ट नामी y नामी प्रोडक्ट बनाने में आपकी मशीन के जो है 1 घंटा लगता है सिर्फ। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल्स डिमांड y स्मॉलर देन इक्वल टू 1800। आप जो y नामी प्रोडक्ट है वो 1800 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते। अच्छा, और चौथा जो है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट इसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट नेगेटिव में बना के नहीं बेच सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने -40 यूनिट्स बेचे हैं, हमेशा जो यूनिट्स हैं x और y वो 0 होंगे मिनिमम और 0 से ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब स्टेप वन हमें बना बनाए मिल गया, स्टेप टू हमें बना बनाए मिल गया, स्टेप थ्री क्या कहता है, स्टेप थ्री कहता है ऐसा करें ग्राफ बनाए। बनाते हैं ग्राफ, लेकिन एक मिनट, ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, चैप्टर वन जिंदाबाद हमने इंटरसेप्ट्स निकालने सीखे थे। हम सबसे पहले तो निकालेंगे इंटरसेप्ट्स। कैसे इंटरसेप्ट निकलेंगे, लेबर का इंटरसेप्ट हमारा क्या निकलेगा, आपने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 कर देना है। तो अगर मैं 3 पे पेन रखूं, पीछे क्या बचा, x इज 2x स्मॉलर देन इक्वल टू 6000, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3000। y किसके इक्वल होगा, आपने x को जो है वो 0 कर दिया, तो आपके पास y आ गया 2000। नेक्स्ट, अगली लाइन आपसे कह रही है मशीन टाइम 4x + y, x आपका क्या निकलेगा, y आप अगर 0 कर दें x आपका निकलेगा 1000, और y आपका क्या निकलेगा 4000। और तीसरा कंस्ट्रेंट आपको बना बनाया मिल रहा है कि y इज इक्वल टू 1800। हमने इन तीन कंस्ट्रेंट्स को माइंड में रखते हुए अपना एक अदद ग्राफ बनाना है। लैपटॉप पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा ट्रिकी काम है, पेज पे ज़्यादा इजी बन जाता है व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन स्टिल जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। आप लोग पेज पे बनाएंगे तो वो भी इजीली बन जाएगा। हमें हिंट ये मिल रहा है कि हमारा जो y है मैक्सिमम 4000 है। ये भी एक ट्रिक है कि आपने ये वाली जो कैलकुलेशन है पहले कर लेनी है, ताकि आपको ये आइडिया हो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से जो अपना ग्राफ ड्रॉ करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ इस तरह का ग्राफ नहीं ड्रॉ करूँगा कि ये 100 है ये 200 है, मैं डायरेक्ट 1000-2000 पे जाऊँगा। तो मैं कहूँगा कि भाई ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, और ये पॉइंट है 4000। नज़र आ रहा है ना बड़ी स्क्रीन पे, हाँ जी आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ मैं कहूँगा 1000, यहाँ मैं कहूँगा 2000, थोड़ा सा अनइवन ये बन रहा है, 3000 और 4000। अब मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। x इज इक्वल टू 3000, किधर x इक्वल टू 3000, एक ये रहा, और दूसरा हमारे पास है इसके आपको ना y इज इक्वल टू 2000। हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाइन लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही लग जाए लाइन, ले जी तकरीबन स्ट्रेट लाइन लग गई। नेक्स्ट हमें लाइन क्या लगानी है, x इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू 4000 के दरमियान। ऐसा करते हैं, वंस अगेन कलर चेंज करते हैं इसका, किधर क्या, इसका कलर अब हम कर देते हैं ऑरेंज, ताकि दूसरी लाइन अलग ही नजर आए। x इज इक्वल टू 1000 किधर, x इज इक्वल टू 1000 ये रहा, y इज इक्वल टू 4000 किधर है ये रहा, इसके दरमियान स्ट्रेट लाइन हमने लगानी है ये ले, तकरीबन स्ट्रेट लाइन लग गई, मतलब लैपटॉप पे तो अब इसी तरह लगाई जा सकती है। और तीसरी लाइन हमने कहाँ लगानी है, y इज इक्वल टू 1800
वाई अगर यहाँ 2000 है तो यहाँ 1800 होगा, हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब हमारे पास कितने तरह के कोने बन रहे हैं, एक कोना हमारे पास ये रहा, इस कोने की क्या डायमेंशन है, यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हमारा एक्स था 1000 और हमारा वाई है 0। अच्छा नेक्स्ट, दूसरा कोना हमारा क्या है, दूसरा कोना हमारा ये रहा, यहाँ हमारा एक्स कितना है 0 और वाई हमारा है 1800। कोई एक तीसरा कोना भी होगा, हाँ जी वो तीसरा कोना कौन सा है जहाँ जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, भला कौन कौन सी लाइंस, इन लाइंस को इंटरसेक्ट हमें नज़र आ रहा है, तो जहाँ लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं वो हमारा तीसरा चौथा कोना होता है। तो तीसरा कोना यहाँ तक हमने जो है हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश की है, यहाँ से ऑनवर्ड्स हम ज़रा सचमुच का ग्राफ देख लेते हैं। तो इस सारे को अब मैं करता हूँ इरेज और हम देखते हैं हल्का सा सोल्यूशन। कंस्ट्रेंट्स हमारे ये थे और ग्राफ इसका जो ऑफिशियल वाला है वो ये बनता है। अब ये ज़रा खूबसूरत उसका वर्जन है, लेट्स सी क्या हमने भी ठीक बनाया था। हाँ जी हमने भी ठीक बनाया था, एक लाइन हमने लगाई 3000 से लेके 2000 के बीच में, दूसरी लाइन हमने लगाई 1000 से 4000 के बीच में, और तीसरी लाइन हमारी है वाई इक्वल टू 1800। हमारे पास कौन से कोने हमें नज़र आ रहे हैं, हमें चार कोने नज़र आ रहे हैं। चार कोने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पर बारी बारी इन कोनों की डायमेंशन लिख लेते हैं। पहला कोना पॉइंट डी जिसका बुक ने नाम रखा है दैट वाज एक्स इज 1000 एंड वाई इज 0। पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू 1000 वाई इज इक्वल टू 0। वापस चलते हैं पॉइंट सी, पॉइंट सी कोई सी दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे पाया जा रहा है। कौन सी दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे वो पाया जा रहा है, उन दो लाइनों में जिसमें से एक है आपके पास ये 1000-4000 वाली लाइन और दूसरी लाइन आपके पास है ये वाली 3000-2000, यानी कि इन शॉर्ट आपके पास लेबर वाली और मशीन वाली लाइंस। कैसे हमें पता लगेगा कि इस एग्जैक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हैं, यहाँ एक्स क्या है वाई कहाँ है, इंस्टेड ऑफ के हम तुक्के लगाएं, हम रफ एस्टिमेट करें कि तकरीबन इतना एक्स इतना वाई होगा। प्लीज पॉज कीजिएगा। नहीं जी वेलकम बैक, मैंने हिसाब लगाया, लैपटॉप नहीं चाहता कि हम लोग QM पढ़ें लेकिन ना हमने हार मानी है ना आपने हार मानी है, लेट्स कंटिन्यू। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि पॉइंट सी कैसे हमें पता लगेगा क्या है, तो सिंपल हमने चैप्टर वन में सीखा था जहां दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हूँ वो कैसे हमें पता लगता है, हम कैलकुलेटर पर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ले जी कैलकुलेटर पर मैं क्या लिखूंगा, लीनियर इक्वेशन में गए 2x प्लस 3y कॉन्स्टेंट है 6000 और 4x प्लस 1y कॉन्स्टेंट है 4000। कैलकुलेटर कह रहा है एक्स इज 600 वाई इज 1600। पॉइंट सी मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 600 वाई इज इक्वल टू 1600। अच्छा लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या कह रहा है, पॉइंट बी कोई सी दो लाइनों का इंटरसेक्शन है। कौन सी दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, वो वाली लाइन जहां वाई इज इक्वल टू 1800 था और वो वाली लाइन जहां हमारा एक्स 2000 और वाई 3000 था, वो कौन सी वाली लाइन है, चेक करें, वो हमारी डायरेक्ट लेबर वाली लाइन है 2x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल टू 6000। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन देख लें तो 236000 हमारे कैलकुलेटर पे पहले ही लिखा है, वो हम लिखे रहने देंगे। और दूसरी लाइन सॉरी तीसरी लाइन डिमांड वाली, उसमें हमारा एक्स क्या है 0, वाई क्या है 1, कॉन्स्टेंट क्या है 1800। कैलकुलेटर से हमने पूछा कि कहाँ ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर बता रहा है पॉइंट बी एक्स इज इक्वल टू 300 और वाई इज इक्वल टू 1800। एक चौथा पॉइंट भी है पॉइंट ए, पॉइंट ए की क्या डायमेंशन है इसकी अगर हम बात करें, यहाँ हमारा एक्स जो है वो 0 है लेकिन वाई हमारा 1800 है, हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 1800। कॉमन सेंस कहती है कि पॉइंट नंबर ए कभी भी मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि एक ऐसा पॉइंट भी है जहां वाई सेम है लेकिन एक्स ज्यादा है, तो ये तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब इन तीन पॉइंट्स को हमने मैक्सिमाइज करना है, कैसे करें, सवाल कहता था स्टेप फाइव कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्टेप फाइव भी हमें बना बनाया मिल गया है सवाल में, ज्यादातर सवाल में हमें बना बनाया मिल जाएगा। क्या है एक्स लिखा है 5x प्लस 5y इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा हम यहाँ लिख लेते हैं 5x प्लस 5y। स्टेप सिक्स क्या था,
एक्स और वाई की वैल्यूज इसमें पुट करें और जहां आपका आंसर मैक्सिमम आ रहा है दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर मैक्सिमम पॉइंट। बारी बारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पॉइंट डी पे हमारा कितना कोई प्रॉफिट होगा, 5x, 5 इंटू 1000 कितना होगा 5000। पॉइंट सी एक्स 600 वाई 1600, कैलकुलेटर पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 600 इंटू 5 प्लस 1600 इंटू 5, कैलकुलेटर बोला 11000 लिख दिया। पॉइंट बी ऐसे ही करना है 300 इंटू 5 प्लस 1800 इंटू 5, आंसर आया 10500। ऑल्दो मैंने कहा था कि पॉइंट ए कैलकुलेट करने का फायदा कोई नहीं, लेकिन स्टिल दिल की तसल्ली के लिए पॉइंट ए भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट ए क्या आएगा, पॉइंट ए एक्स 0 है वाई 1800 है, 1800 इंटू 5 आंसर आया ए इज इक्वल टू 9000। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने दिमाग से पूछें अगर ये आपका बिजनेस हो या आपकी फैक्ट्री हो तो आप क्या पसंद करेंगे, आपको 9000 रुपए मिले, आपको 10500 मिले या आपको 11000 मिले। तो 11000 इज द बेस्ट आंसर, आपको कहना चाहिए कि हाँ 11000। एक मिनट, 11000 का मतलब क्या है, 11000 हमें कहाँ मिल रहा है, 11000 हमें वहाँ मिल रहा है जहाँ हमने 600 यूनिट एक्स बनाए, 600 जो हमने केक बनाए और 1600 हमने पेस्ट्रीज बनाई। अब ये हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, हम सारी की हम 2000 पेस्ट्रीज बना लेते हैं, हम 2000 केक्स बना लेते हैं, तो ये एक ऐसा मिक्स है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हम प्रोडक्ट ए भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट वाई भी बना रहे हैं, दोनों तरह की प्रोडक्ट्स भी हैं और सारे के सारे जो है कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। कॉमन सेंस ये कह रही है कंस्ट्रेंट्स पूरे हो रहे होंगे, लेकिन तसल्ली जरूरी है, एक दफा तसल्ली करके देख लेते हैं। हमारे पास डायरेक्ट लेबर की क्या इक्वेशन गिवन थी, 2x प्लस 3y स्मॉलर देन 6000, 2x प्लस 3y स्मॉलर देन 6000। एक दफा देख लेते हैं कि कहीं हम इस मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली जगह पे अपने लिमिट से अब बाहर तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें लेबर्स को 6000 घंटों से ज्यादा काम करना पड़ जाए। अभी देख लेते हैं कितना हम एक्स बना रहे हैं पॉइंट सी पे, 600, 2 इंटू 600 प्लस 3 इंटू वाई कितना है 1600, कैलकुलेट करें 2 इंटू 600 प्लस 3 इंटू 1600, आंसर आया क्या पूरा 6000, यानी कि हमने 6000 के 6000 जो है लेबर आवर्स कंज्यूम कर लिए। हमारे मजदूर एक घंटा भी वेले नहीं बैठे, फ्री नहीं बैठे, हमने अपने वसाइल का पूरा इस्तेमाल किया, 100% इस्तेमाल किया। बाकी दोनों कंस्ट्रेंट्स भी एक दफा तसल्ली कर लेते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, मशीन टाइम 4x प्लस वाई शुड बी स्मॉलर देन 4000, 4x प्लस वाई शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 4000। हमने कितने यूनिट्स बनाए सी के, 600, 4 इंटू 600 प्लस वाई एक्स के हमने कितने यूनिट्स बनाए 1600, क्या बनेगा 4 6 24 24 प्लस 1600 कितना होता है 4000। वंस अगेन हमने दूसरा कंस्ट्रेंट भी पूरा पूरा यूज किया है, मशीन 4 घंटे चल सकती थी और हमने उसे 4 घंटे ही चलाया, एक घंटा भी उस मशीन को हमने फ्री नहीं होने दिया, जो कि अच्छी बात है, हमने चीज मसाइल को मैक्सिमम यूज किया। एक को तीसरा कंस्ट्रेंट भी था, तीसरा कंस्ट्रेंट क्या कह रहा था, तीसरा कंस्ट्रेंट कह रहा था कि आपकी सेल्स डिमांड जो है वो वाई शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1800, क्या हमने 1800 से कम वाई बनाया है, हमने पूरा 1600 जो है वाई बनाए हैं, तो हमने डिमांड के अंदर अंदर रहते प्रोडक्शन किए, हमारे मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो फुल 100% यूज हो रहे हैं। तो ये था हमारा पहला कॉम्प्रेहेंसिव सवाल जिसमें हमने ए टू जी ये सारा सॉल्व करना सीख लिया। अब चैप्टर 4 इजी चैप्टर है तो हम इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, एक सेशन हमारे पास था जिसमें से अभी हमारे पास तकरीबन आधा घंटा पड़ा है। इस आधे घंटे में एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि इस चैप्टर से किस किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली हमने तकरीबन 99% चैप्टर कर लिया है, मैक्सिमम इसी तरह के जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, स्टिल थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस उसकी कर लेते हैं। अब अगर मैं इस सारे को रेज करूं, याद रखिएगा कि हमारा कहां मैक्सिमाइज हुआ था 11000 पे। अब इस सारे को मैं रेज करता हूं, बुक ने इसे कुछ 3 पेज लगा के सॉल्व किया है, एट द एंड चेक करें कंक्लूजन, सी इज द मैक्सिमम पॉइंट जहां हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 11000, चेक करें हम सही पहुंचे। अब आपने एक दफा गो थ्रू करना है, ये स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, फिलहाल हम जरा फास्ट मोड में चल रहे हैं।
आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मिनिमाइजिंग फंक्शंस। मिनिमाइजिंग फंक्शन मैंने जबानी आपको एक लाइन में बता दिया था, एक लाइन का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर सवाल आपसे ये कहता है कि बताओ मिनिमाइजेशन करनी है, वो पॉइंट बताओ जहां हमारा खर्चा मिनिमम हो, तो वो आपको आपने देख लेना है कौन से वाले कोने पे सबसे कम आंसर आ रहा है, जो जाहिर सी बात है 0.0 पे आएगा। नेक्स्ट हम आ गए सवालात की तरफ। अब ये किस चीज का टॉपिक सवाल है, किस टॉपिक का, ये हमें इनइक्वालिटी से खेलना सिखाया जा रहा है। तो एक दफा चलो देख लेते हैं, चेक करें 4.1, ये पहले ही एमसीक्यू के चार फर्दर पार्ट्स हैं। क्या है, एम्प्लॉई रिक्रूट्स फ्रेश एंड एक्सपीरियंस्ड लोग एक्स एंड फ्रेश लोग वाई अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस के वो 9 से ज्यादा लोग नहीं भर्ती कर सकता। अभी मैंने ऑप्शंस की तरफ नहीं देखा है, मैं खुद ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूं कि एक्स प्लस वाई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 9। वो एक बंदा हायर करे ठीक है चलेगा, वो दो बंदे हायर करे, तीन करे, आठ करे, 9 करे, लेकिन अगर उसने 10 हायर कर लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसने 9 के अंदर अंदर रहना है। कैसा कोई ऑप्शन है कि एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 9? यस, ये रहा ऑप्शन बी, एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9। ये आगे क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसे हम प्यार से कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कि एक्स हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ऑन एवरेज एक्सपीरियंस साहब 5 घंटे काम करते हैं, फ्रेश बंदा 3 घंटे काम करता है डेली, और एम्प्लॉयर साहब ने एटलीस्ट 30 घंटे काम करवाना है रोजाना। कैसे एक्सप्रेस करेंगे सिचुएशन को, एटलीस्ट 30 घंटे काम, क्या मतलब 30, एटलीस्ट 30 घंटे का न्यूमेरिकली क्या मतलब है? अगर 25 घंटे काम हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट 30 का मतलब है या तो 30 घंटे काम हो या 35 घंटे काम हो या 3000 घंटे काम हो, 30 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। इसका कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, हम कहेंगे कि 5x 5 घंटे एक्स बंदा काम करता है, जो एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं, प्लस 3y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, आंसर 30 से ज्यादा आना चाहिए। तो क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? हाँ जी, हमें नजर आ रहा है सी। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि रूल्स और रेगुलेशंस कहते हैं कि एम्प्लॉयर साहब 5 एक्सपीरियंस बंदे हायर नहीं कर सकते टू 1 फ्रेश वन। क्या मतलब, एक फ्रेश एक्स बंदे के अगेंस्ट आपने 5 से ज्यादा नहीं हायर करने। इसे अगर हम न्यूमेरिकली लिखें, क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि 1y के बदले हम 5x अगर हायर कर लें तो चलेगा, हमने कहा चलेगा ठीक है। अगर हम 1x फ्रेश बंदे के अगेंस्ट 4 अगर एक्सपीरियंस बंदे हायर कर लें तो क्या चलेगा? सवाल कह रहा है नॉट मोर देन 4, क्या 4 नॉट मोर देन 5 होता है? हाँ जी, 4 नॉट मोर देन 5 होता है, हम कहेंगे 4 भी है वो चलेगा। तीसरी एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अगर y 1 हो और x आपका हम अज्यूम कर लें 6, क्या ये चलेगा? नहीं, रेगुलेशंस ने कहा है 5 से ज्यादा बंदे हायर नहीं करने फॉर ईच x, हमने कहा ये नहीं चलेगा। यहां तक समझ आई है ना? अब आगे हमने ये जो तीन हमने सिचुएशंस क्रिएट किए, इसे हमने बारी बारी इन चारों ऑप्शंस में पुट करके देख रहे हैं कि कहां जो है वो हमारा पॉइंट सच हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए जो है क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ओवर 5। y तीनों केसेस में क्या है, 1 1 1, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। x डिवाइडेड बाय 5 का क्या मतलब है, पहले केस में 5 था तो 5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 1, 4 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 0.8, 6 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 1.2। अब देखिए कहां ये क्या बात सच है, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है? हाँ जी होता है। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 होता है? हाँ जी होता है। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 होता है? नहीं होता, लेकिन होना भी नहीं चाहिए था। चेक करें, यहां हमने पहले भी क्रॉस किया था, तो ये तरीकेकार था इस तरह की इनइक्वालिटीज को देखने का, हमारा तुक्का लग गया, ऑप्शन ए जो है वही ठीक निकला। स्टिल दिल की तसल्ली के लिए एक दफा ऑप्शन बी भी ट्राई करके देख लेते हैं, कहीं वो भी सही ना निकला है। हमें पता है सही नहीं निकलेगा, लेकिन स्टिल एक दफा दिल की तसल्ली कर लेते हैं हम। वापस गए इधर, हमने ये सारा किया रेज। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा,
एक मिनट पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, दोबारा से हमने लैपटॉप को सीधा किया है। अच्छा, ऑप्शन बी क्या कहता था? पहले तो एक्स और वाई हम दोबारा लिख लेते हैं। हमने कहा था एक्स अगर 5 हो तो चलेगा, अगर 4 हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर 6 हो तो नहीं चलेगा। वाई तीनों केसेस में 1 था। टिक टिक क्रॉस ऑप्शन। हमने कहा था एक और ऑप्शन दिल की तसल्ली के लिए ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है? एक्स इज ग्रेटर देन 5y। 5y चूंकि तीनों केसेस में 1 है, क्या रहेगा? 5 ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन साइन। एक्स एक जगह 5 था, एक जगह 4 था, एक जगह 6 था। क्या 5 ग्रेटर देन 5 होता है? नहीं। क्या 4 ग्रेटर देन 5 होता है? नहीं। क्या 6 ग्रेटर देन 5 होता है? हाँ जी, होता तो है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। ये वाली सिचुएशन ख़राब है, गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट इज़ आर दिल की तसल्ली कि हमें ऑप्शन सी भी जो है वो नहीं चाहिए था। अब देखते हैं इसका पार्ट 4। यूनियन ने कहा है कि आपने 2 से कम बंदे हायर नहीं करने। क्या मतलब? अब दोबारा सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या सिचुएशंस क्रिएट करें? वाई अभी भी 1 ही तीनों केसेस में रखते हैं, लेकिन एक्स वो कह रहा है कि 2 से लेस नहीं रखने। क्या मतलब 2 से लेस का क्या मतलब? अगर हम एग्जैक्ट 2 बंदे रख लें चलेगा? हाँ जी चलेगा। अगर हम एग्जैक्ट 3 बंदे रख लें चलेगा? हाँ जी, उसने कहा था 2 से कम ना रखना। क्या 3 2 से कम होता है? नहीं। ये भी ठीक है। एक सिचुएशन गलत वाली हम जान के क्रिएट करते हैं। ये हमने कहा कि एक एक्स के अगेंस्ट एक वाई अलाउ नहीं है। उसने कहा था 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। हमने कहा ये सिचुएशन हो तो चलेगा, ये सिचुएशन हो तो चलेगा, ये सिचुएशन हो तो नहीं चलेगा। अच्छा, अब ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू वाई ओवर 2। y तीनों केसेस में 1 है, यानी कि 0.5 0.5 0.5। x क्या है? 2 3 1। साइन कौन सा है? ये वाला। क्या तीनों बातें सच है? क्या 2 स्मॉलर द इक्वल टू 0.5 होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 3 स्मॉलर द इक्वल टू 0.5 होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 0.5 होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ए हो गया फेल। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स ओवर 2। वाई तीनों केसेस में क्या है? 1 1 1। साइन ये वाला रहेगा तीनों केसेस में। एक्स ओवर 2 का क्या मतलब है? एक्स ओवर 2 ये हो जाएगा 1। 3 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 1.33। और 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 0.5। अब देखते हैं क्या है बातें सच है। क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होता है? हाँ जी होता है। क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 1.33 होता है? हाँ जी होता है। और क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 0.5 होता है? नहीं, होता तो नहीं। क्या होना चाहिए था? नहीं भाई, हमने अभी कहा था कि ये x जो है नहीं होना चाहिए था। तो हमने देख लिया कि ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी तरह का जो एमसीक्यू इस चैप्टर से आता है, वो आपको इस तरह की शेप्स गिवन होती हैं और आपसे कहा जाता है कि बताओ शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका टोटका ये होता है, इसका शॉर्टकट ये होता है कि अगर ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेडेड हो तो हम कहते हैं कि आसान अल्फाज में कहते हैं कि अंदर की तरफ शेडिंग है और साइन इसमें आता है हमेशा स्मॉलर देन वाला। और अगर बाहर वाला एरिया शेडेड हो तो हम कहते हैं कि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, यहाँ हमारा साइन आता है ग्रेटर देन वाला। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कौन सा वाला ग्राफ इनइक्वालिटी दिखा रहा है? एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन 9, स्मॉलर देन 9, स्मॉलर ये वाला केस है। तो अंदर वाला एरिया शेडेड होना चाहिए था। कहां अंदर वाला एरिया शेडेड है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट एक और सवाल इस तरह का देख लेते हैं दोबारा। ग्राफ कौन सा ग्राफ इस वाली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए साइन कौन सा वाला है? ग्रेटर देन वाला साइन है। ग्रेटर देन के केस में बाहर वाला एरिया शेडेड होना चाहिए। कहां बाहर वाला एरिया शेडेड है? यहां बाहर वाला एरिया शेडेड है। पॉइंट सी इज आर बेस्ट आंसर। अब इस तरह के मजीद सवालात आप देख लीजिएगा। चले एक ये देख लेते हैं, ये हमें देखने में अजीब सा लग रहा है। क्या उसमें अजीब सी बात है? हमें 4 अदद लाइंस गिवन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। हमसे क्या कहा जा रहा है कि बताओ कौन सा वाला है शेडेड एरिया जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लाइन 1 देखते हैं, लाइन 1 के अंदर वाला एरिया शेडेड है बाहर वाला? बाहर वाला। हम कहेंगे कि लाइन 1 5x plus 3y, इसकी बात कर रहा हूँ, शुड बी ग्रेटर देन 30।
ग्रेटर देन 30, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा या नन ऑफ दीज होगा। अगली लाइन देखते हैं, लाइन टू कह रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। किधर है लाइन टू? ये रही लाइन टू, इसके अंदर वाला ये शेडेड है या बाहर वाला? अंदर वाला ये शेडेड है। हम कहेंगे एक्स प्लस वाई शुड बी स्मॉलर देन 9। हाँ भाई, किधर है स्मॉलर देन 9? ये है स्मॉलर देन 9। ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, लेकिन ऑप्शन बी की मजीद दिल की तसल्ली कर लेते हैं। लाइन थ्री क्या कह रही है? लाइन थ्री के ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेडेड है या ओरिजिन से बाहर वाला एरिया शेडेड है? हम कहेंगे बाहर वाला एरिया शेडेड है। ग्रेटर देन वाला साइन आ रहा है? हाँ जी, ग्रेटर देन वाला साइन आ रहा है। और लाइन नंबर फोर, ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेडेड है, हम कहेंगे स्मॉलर देन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था वो हमारा बेस्ट था। इसी तरह के मजीद सवालात हैं, तो ये हम मतलब ज़रा फास्ट मोड में हैं, तो हम इसे देख एक दफ़ा, आपने इग्नोर नहीं करना, हम टाइम की कमी से इग्नोर कर रहे हैं, आपने ये सारा प्रैक्टिस करनी है, पेपर आपने देना है, मैंने ही देना। अच्छा, मजीद कंटिन्यू देखते हैं, क्या कोई नई बात हो रही है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, प्रोडक्शन ऑफ ए विल बी एट लीस्ट 5 times द प्रोडक्शन ऑफ बी, कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? अभी देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ए एट लीस्ट 5 times द प्रोडक्शन ऑफ बी, अगर आप बी का एक यूनिट बनाते हैं तो आपको ए के 5 units बनाने पड़ेंगे, क्या इनइक्वालिटी बनेगी? हम कह सकते हैं कि 5b इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए, क्या इस तरह का ऑप्शन है? तो इस तरह का जो भी ऑप्शन है उसे टिक करें और आगे चलें। इनइक्वालिटीज, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा? हमें याद है कि एक्स और वाई दोनों जहां पॉजिटिव है क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है। कौन सी जो है इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी? चारों की वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स का ये सवाल हमें देखने में लग रहा है। मशीन कैन वर्क फॉर 16 घंटे पर डे एट मोस्ट, इट टेक्स 4 hours टू प्रोड्यूस, वो कह रहा है कंस्ट्रेंट्स बना देते हैं। 4 hours आपको प्रोडक्ट ए बनाने के लिए चाहिए और 8 घंटे आपको प्रोडक्ट बी बनाने के लिए चाहिए, 4a + 8b। और क्या टोटल घंटे गिवन है? हाँ जी, हमें गिवन है टोटल घंटे हैं 16, तो 4a + 8b शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 16। देख ले कौन सा वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाला कंस्ट्रेंट में फीजिबल रीजन ये वाला होगा। आप एक दफ़ा ग्राफ बना लें और फिर देख लें कि एक जो है किधर पाया जा रहा होगा। फिजिबल रीजन कौन सा वाला रीजन होता है? वो वाला रीजन जहाँ जिसके कोनों पे हमारा जो है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने होते हैं? तो देर इज नो स्पेसिफिक लिमिट। हमने 2 वाला सवाल भी है, 3 वाला सवाल भी देखा है। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि आपका जो मैक्सिमाइजेशन है वो किसी कॉर्नर पे होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग किसके लिए यूज हो सकती है? मैक्सिमाइजेशन के लिए भी होती है, मिनिमाइजेशन के लिए भी होती है। फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स कितने फिजिबल रीजन्स हैं? ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट बनाने के लिए हमें कितनी इनइक्वालिटीज चाहिए होती हैं? एक से भी गुजारा हो जाता है। अभी हमने सबसे पहली एग्जांपल जो देखी थी उसमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी थी। बाउंडेड फिजिबल रीजन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों चीज़ें होती हैं, और एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू वाई का फिजिबल रीजन क्या होगा? ग्राफ बनाएं और उस पर देख लें। नेक्स्ट यूनिट टू, यूनिट टू में भी तकरीबन कोई नई बात नहीं है, बस इसमें जो है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म के सवाल हैं। एक सचमुच का सवाल पकड़ते हैं उसे एज इट इज़, एक और सवाल जो है वो हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। वो कौन सा सवाल होगा? ऐसा करते हैं कि वो ये वाला सवाल होगा, मार्क 1 और मार्क 2। अगले पेज में हमारे ब्लैंक स्पेस भी मैंने जान के छोड़ी थी, अभी हम ये सवाल सारा सॉल्व करेंगे। वंस अगेन, स्टेप 1 क्या था? एक्स और वाई हमने डिनोट करना था, वो हम कर देते हैं। 2 तरह की प्रोडक्ट्स है ना, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 को हमने कह दिया एक्स और मार्क 2 को कह दिया हमने वाई। स्टेप 2 था ऐसा करें कंस्ट्रेंट्स बना लें। कंस्ट्रेंट्स हम इधर ही बना लेते हैं। हमें है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है 2x + 4y शुड बी लेस देन और इक्वल टू, कितने टोटल मटेरियल्स अवेलेबल हैं? 24,000 kg। हमने कहा दिस शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 24,000। अच्छा, अगला हमारे पास कंस्ट्रेंट है लेबर आवर्स का, 3x + 2y शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू, कितने घंटे अवेलेबल हैं? 18,000। और कोई कंस्ट्रेंट है? हाँ जी, मैक्सिमम सेल्स डिमांड भी कंस्ट्रेंट्स है। हमसे कहा गया है कि भाई एक्स जो आपका है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 5,000 होना चाहिए, 5,000 से यूनिट ज़्यादा यूनिट्स नहीं बिकेंगे। और हमें क्या बताया जा रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 10x + 15y। और कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, और कोई कंस्ट्रेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। अब स्टेप 2 हमने कर लिया, स्टेप 3 ग्राफ बनाना पड़ेगा।
बना लेते हैं, पहले एक रफ सा बनाते हैं फिर हम बुक की तरफ जाएंगे। तो रफ सा ग्राफ बनाने के लिए पहले मुझे एक्स और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। इस लाइन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे? आपका एक्स होगा 12,000 और वाई आपका होगा 4,624, वाई इज इक्वल टू 6,000। दूसरी लाइन के हमारे क्या इंटरसेप्ट होंगे? आपका एक्स होगा 6,000 और y आपका क्या होगा? y इज इक्वल टू 9,000। तीसरे केस में हमें डायरेक्ट गिवन है कि x इक्वल टू 1,000। अब वंस अगेन चूंकि मैंने ये चीज पहले कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे आइडिया हो गया कि मैंने 5,000 का गैप देना है तो ही मेरा ग्राफ जो है वो ठीक बन सकेगा। 5,000, 10,000 और 15,000। क्या कोई फिगर 15,000 से ज्यादा तो नहीं जा रही? नहीं, मैक्सिमम 12,000 है। नेक्स्ट y भी हम लिख लेते हैं, ये है यहाँ 5,000, 10,000 और 15,000। मुश्किल है इस तरह लैपटॉप पे ड्रॉ करना, लेकिन स्टिल मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास ये एक्सक्यूज ना हो कि पेपर में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। कागज़ पे ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू स्क्रीन। तो स्टिल अब हमने क्या लाइन लगानी है? 12,000 और 6,000 के बीच में हमने पहली लाइन लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अल्लाह करे स्ट्रेट लग जाए, तकरीबन स्ट्रेट लग गई। नेक्स्ट लाइन हमने क्या लगानी है? बिटवीन 6,000 एंड 9,000। 6,000 किधर है? 6,000 ये रहा। 9,000 किधर है? 9,000 10,000 से 12,000 से थोड़ा सा कम, वो इधर आएगा यहाँ, तकरीबन स्ट्रेट लग गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? x शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5,000। ये हमने x इज इक्वल टू 5,000 के ऊपर एक अदद लाइन लगा दी। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 कोने देखें, फिजिबल रीजन देखें। हमारा फिजिबल रीजन ये रहा। क्या क्या इसके कोने हैं? एक हमें कोना नजर आ रहा है कॉमा ए, पॉइंट ए, दैट इज ए जहां हमारा 5,000 है, वाई हमारा वहां 0 है। दूसरा कोना कोई सी दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे बन रहा है। कौन सी दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे आ रहा है? वो वाली लाइन जहां हमारा एक्स जो है, सॉरी वाई जो है वो 9,000 था, यानी कि दूसरी और तीसरी लाइन का इंटरसेक्शन है। कैलकुलेटर से पूछते हैं, भाई ये दूसरी और तीसरी लाइन किधर इंटरसेक्ट कर रही है? मैंने कैलकुलेटर पे लिखा 3x प्लस 2y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 18,000 और कंस्ट्रेंट था x1 y0 5,000। कैलकुलेटर के मुताबिक ये इंटरसेक्शन बन रहा है b इज इक्वल टू 5,000 और y इज इक्वल टू 1,500। क्या देखने में भी हमें ऐसा लग रहा है? हाँ जी, x हमारा एग्जैक्ट 5,000 है और y हमारा 5,000 से थोड़ा कम है, 1,500 ही होगा। एक कोई तीसरा पॉइंट भी यहाँ कोई है? हाँ जी, एक तीसरा पॉइंट भी हमें नज़र आ रहा है जहाँ हमारा x तो 0 है, y जो है वो 9,000 है। इससे पहले कि मैक्सिमाइजेशन करें, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा हम ज़रा एक प्रॉपर तस्वीर भी देख लें, प्रॉपर डायग्राम भी देख लें। तो प्रॉपर डायग्राम कुछ हमें देखने में इस तरह की लग रही है। क्या हमारी तीन लाइन्स हैं? एक तो हमारी x इक्वल टू 5,000 वाली लाइन है, एक हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है x इक्वल टू 5,000 और इस वाली लाइन का था, एक चौथा कोना भी है जो हमने नहीं कैलकुलेट किया, दैट इज पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन, वो भी हम कैलकुलेटर से पूछ के कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे वैल्यूज लिखते हैं, 2x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू क्या? 6,000 और 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू कितना? सॉरी 6,000 नहीं, 24,000, 24,000 मैंने यहां लिखा और 18,000 हमारा है कांस्टेंट दूसरी लाइन का। लेट्स सी क्या हमने वैल्यूज ठीक लिखी हैं। 2x प्लस 4y स्मॉलर देन 18,000, 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 18,000। ले जी, इसका इंटरसेक्शन भी निकल आया। यहाँ x इज इक्वल टू 3,000 है और y इज इक्वल टू 4,500 है। अच्छा, यहाँ तक अभी तक क्लियर है? हमने पॉइंट्स अब तक सही जो है वो देखे हैं। तो ये सॉरी 6,000 नहीं था, मुझे लग रहा था यहाँ कोई गड़बड़ है। जहाँ हमारा x 0 है वहाँ हमारा y 9,000 नहीं 6,000 था। एक पॉइंट हमारा ये रहा 5,000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा पॉइंट है हमारा 6,000 x 0 और हमारे जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं वो है इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन, जो हमने कैलकुलेट कर लिए यूजिंग कैलकुलेटर। अब मैक्सिमाइजेशन करते हैं, वो कैसे करेंगे? हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए। क्या हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है? हाँ जी, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन है। कहाँ गिवन है? ये गिवन है, ये रहा 5 पर यूनिट, 10 पर यूनिट। मैं क्या लिखूंगा?
10x plus 15y is our objective function. अब बारी बारी चारों values put करके देखते हैं. 5000 into 10 क्या होता है, हमें ज़बानी पता है, 50,000. पॉइंट ए पे हमें 50,000 का फायदा होगा. पॉइंट बी, 5000 into 10 यानी कि 50,000 plus 1500 into 15, आपके पास आंसर आएगा पॉइंट बी का 72,500. पॉइंट सी, 6000 into 15, 90,000. और चौथा पॉइंट, 3000 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 4500, 97,500. कॉमन सेंस से पूछें कौन सा वाला प्रॉफिट मजे का लग रहा है, 50,000 या 97,500. तो सबसे मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है हमें पॉइंट डी पे मिल रहा है, जहां हमने 3000 एक्स बनाया था और 3000 ही वाई बनाया था. तो तसल्ली एक दफ़ा कर लीजिएगा, क्या हम अपने मटेरियल जो है वो पूरे पूरे यूज़ करने हैं, जाहिर सी बात है पूरे पूरे कर रहे होंगे. तो ये था हमारा एक और फुल फ्लैज सवाल जो हमने स्टेप ए से लेके एंड तक सारा किया. अब फॉरवर्ड एक दफ़ा आंसर वेरीफाई कर लें. कंक्लूजन, वो वाला पॉइंट मैक्सिमम है जहां आंसर आपका 97,500 था. कंटिन्यू करें, मजीद सवाल आते हैं, एक दफ़ा हाथ से गुजार लीजिएगा. हम जाते हैं डायरेक्ट होमवर्क की तरफ, जितना हमारे पास टाइम है होमवर्क के सवाल करने की कोशिश करते हैं. ले जी, पहला सवाल क्या कह रहा है, ऐसा करें इनइक्वालिटीज और कंस्ट्रेंट्स बना देते हैं. टाइप वन सवाल है, मैं ऑप्शंस की तरफ कोई नहीं अभी तक देखा, मैं खुद अपने कंस्ट्रेंट्स बनाऊंगा. तो देखते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आप दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्स वन और एक्स टू, ठीक है. रिसोर्सेज अवेलेबल आर रिस्ट्रिक्टेड टू 200 सपोज्ड आर्फ आवर्स, मैं लिख दिया 200 आवर्स हमें अवेलेबल है, 320 मशीन आवर्स अवेलेबल है और 280 लेबर आवर्स अवेलेबल है, ये मैंने साइड पर लिख लिया. अच्छा, X1 requires production one support staff hour, one machine hour and two labor hours, यानी कि X और 2X. मुझे कैसे पता लगा, one support staff, one machine hour, मैंने ये जो था उसके सामने ही लिख दिया X. फिर Y का क्या गिवन है, यानी कि X2 जिसे हम प्यार से Y कह रहे हैं. X2 requires one staff hour, two machine hours and 0.8 labor hour plus 0.8 Y is smaller than equal to. फिर हमें क्या बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बताया जा रहा है, 300x प्लस 200y. अच्छा, अब देखें ऑप्शंस में क्या, इस तरह के जो हमने खुद आंसर क्रिएट किया, इस तरह का आंसर एग्जिस्ट करता है. x प्लस वाई स्मॉलर देन 200, x प्लस वाई स्मॉलर देन 200 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है. अगली बात, x प्लस 2y स्मॉलर देन 320, x प्लस 2y स्मॉलर देन 320, x प्लस, ये गलत है, 3x plus 2y नहीं है, सिंपल x plus 2y है, x plus 2y smaller than 320 यहाँ भी है. तीसरा constraint, 2x plus 0.8y is smaller than equal to 280, 2x plus ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये 300x plus 200y तो दोनों केस में ठीक ही है. तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए और सी तो बराबर है, सेम है, तो बेस्ट कौन सा हुआ, बेस्ट ए हुआ, क्योंकि उसमें उसने नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट था वो भी इंक्लूड कर लिया था, जबकि सी ने वो नहीं किया. अंडरस्टूड सी बात होती है कि एक्स और वाई जो है वो जीरो से ज्यादा ही होगा, लेकिन स्टिल बेहतर होता है कि आप इसे साथ लिख लें. तो ऑप्शन ए हमें बेस्ट लगा. नेक्स्ट, सेम हमें सवाल लग रहा है कि वो कह रहा है कंस्ट्रेंट्स बना लें, तो कंस्ट्रेंट्स बनाना इजी काम है, हम देखते हैं कोई मुश्किल सवाल हमें नजर आए. हाँ जी, कहाँ है मुश्किल सवाल, अजीब सवाल, यहाँ भी हमें कुछ ऐसा नहीं नजर, हाँ ये देख लेते हैं. 4.29, for the following set of inequalities, identify the optimal solution using corner point. अब यहाँ थोड़ा सा अगर हम logically use करें, हमें given है कि x plus y जो है greater than 8 नहीं हो सकता. देखें कोई ऐसा option तो नहीं है कि हमारा answer 8 से ज़्यादा जा रहा हो, तो नहीं, ये तो हमें नज़र आ रहा है कि 8, 0, 8, 4, 4 और 0, 0. ऑप्शन डी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ हमारी मैक्सिमाइजेशन होगी नहीं. अब अगर हम फास्ट मोड में हैं तो हम शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं, हमें ऑप्शन जो है बी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वाई की वेटेज एक्स के मुकाबले में बहुत कम है. तो जिस उसमें हम एक्स ही क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ वाई क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता. अब ऑप्शन ए और सी चेक करते हैं, इन दोनों को हम जल्दी से ट्राई करके देख लेते हैं. 10 × 8 + 2 × 0 और 4 × 10 + 4 × 2, ये आपके पास आ जाएगा 80 प्रॉफिट, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 4 टूज आपके पास कितना 8, हमारा मैक्सिमम हो रहा है यहाँ 8,0 पे. नेक्स्ट, ऐसा करें
आइडेंटिफाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी वैसा ही सवाल है. नेक्स्ट 4.31, इस सवाल को गौर से देखें, इसमें एक ट्रिक है. भला क्या, ये भी हमें साफ पता लग रहा है कि कौन सा आंसर ठीक है. 0-0 तो आंसर ठीक हो नहीं सकता क्योंकि हमारी मैक्सिमाइजेशन होगी नहीं. हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है. ऑप्शन ए भी हो ही नहीं सकता क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है. पीछे एक ही ऑप्शन बचा. स्टिल मजीद तसल्ली. y क्या कहता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ओहो, अब क्या करें, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां हमारा y भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. तो इस तरह का हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, कहां हमारी मैक्सिमाइजेशन होगी. तो आई थिंक ये ऑप्शन ए और डी जो रेपिटेशन हो रही है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जहां हमारा वाई 2 से ज्यादा होता तो वो हमारा बेस्ट आंसर होता. 5 मिनट्स रिमेनिंग, लेट्स कंटिन्यू. फाइंड द रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स, ये देख लेते हैं. तो इससे पहले कि मैं सवाल सॉल्व करें, हमें पता होना चाहिए रिडंडेंट किसे कहते हैं. नया वर्ड है, पहली दफ़ा सुना है. रिडंडेंट कहते हैं वो चीज़ जो कि किसी दूसरी चीज़ के आने की वजह से यूजलेस हो गई, बेकार हो गई. ऐसा कहते हैं, देख लेते हैं कौन सा वाला जो है कंस्ट्रेंट जो है वो रिडंडेंट है. पहला कंस्ट्रेंट क्या है, एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ एक्स 6 है, यहाँ वाई 6 है. इस तरह का कोई शेडेड एरिया होगा, उसके अंदर वाला एरिया जो है वो शेडेड है. ठीक है, अगली लाइन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो हमें पता ही है, हम ना भी बताते. तो चौथा पॉइंट कह रहा है कि 4x प्लस 2y स्मॉलर देन 8, इसके अगर हम इंटरसेप्ट निकालें क्या निकलेंगे, x आपका निकलेगा 2 और y आपका निकलेगा 4. x 2 किधर है, इधर. y 4 किधर है, इधर. ये वाला एरिया और इसके अंदर वाला एरिया शेडेड करना है. अब इस लाइन के आ जाने से ये वाली लाइन तो बेकार हो गई, इसके अंदर वाला जो अंदर का एरिया था, शेडेड एरिया था, वो तो अब जाया हो गया, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है. तो हम कहेंगे ये x प्लस 6y जो है वो रिडंडेंट लाइन है. डी इज द बेस्ट आंसर. नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कंस्ट्रेंट्स बना ले, बना ले. सीधा सवाल है. ओहो, इसका आधा ऑप्शन इस पेज पे, आधा ऑप्शन उस पेज पे, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, कंपनी दो तरह की ड्रिंक्स बनाती है, ऐसा करें बता दें कि कौन से वाले जो आपका पोर्शन है, कौन सा आपका जो है मैक्सिमाइज होगा. तो ये आखिरी सवाल है, ये पूरा कर लेते हैं. तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हमें देखना है कि कौन सा वाला एरिया मैक्सिमाइजेशन होगी. लेकिन स्टिल अब चूंकि हमारे पास पूरे पूरे कंस्ट्रेंट्स गिवन है, हमें देख लेना चाहिए कि कहीं इनमें से कोई ऑप्शन जो है शेडेड एरिया से बाहर तो नहीं जा रहा. अभी देख लेते हैं. 3x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 480 है, तो x क्या होगा, y क्या होगा. x आपका हो जाएगा 160, कैसे, 480 डिवाइड बाय 3 160, और y आपका हो जाएगा 120. नेक्स्ट, आपके पास कंस्ट्रेंट है 2x प्लस 6y स्मॉलर देन इक्वल टू 540, x आपका क्या होगा, 5640 डिवाइडेड बाय 2 270, और 540 डिवाइडेड बाय 6 69054. ये आपके पास x और y की मैक्सिमम वैल्यूज आ गई. x आपका 160 से ज्यादा नहीं हो सकता, y आपका 90 से ज्यादा नहीं हो सकता. देखें कैसा कोई ऑप्शन तो नहीं है कि इससे ज्यादा एक्सीड हो रहा हो कोई, तो हमें इससे एक्सीड करता कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा. स्टिल एक दफा ग्राफ बना लेते हैं. पहली लाइन है हमारी बिटवीन 160 एंड 120, दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 100, दिस इज 200. पहली लाइन हमने ड्रॉ करनी है बिटवीन 160 एंड 120, 160 यहां होगा, 120 यहां होगा. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई. दूसरी लाइन हमारी है बिटवीन 270 एंड 90, ये 300 है तो 270 यहां होगा. यहां से लेके हमने लाइन लगानी है 90 तक. 90 किधर है, यहां. ये अब देखें 7266 क्या कोई फिजिबल पॉइंट है, तो जरूर ये 7266 जो है इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है. इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन चेक कर लें. 3x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 480, 2x प्लस 6y स्मॉलर देन इक्वल टू 540, आपके पास आ गया 72 और 66. क्या 72 और 66 कोई वैलिड वो है, हाँ जी. अब हमें ये पता लग गया कि ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो है ये 66-72 इस शेडेड एरिया से बाहर चला जाएगा. अब मैक्सिमाइजेशन कर लेते हैं. और वंस अगेन अब यहाँ हम शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं, हमें पता लग रहा है कि ए और बी में से ए सस्ता है और बी महंगा है, बी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के देगा. तो ऑप्शन सी होने के चांसेस ना होने के बराबर है, या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है. एक दफ़ा कैलकुलेट करें, 72 इंटू 1800
प्लस 66 इंटू 6300, हमारे पास यहाँ प्रॉफिट बना 545.400। और ऑप्शन जो है हमारा अगला ऑप्शन जो हम ट्राई कर रहे थे, ऑप्शन सी 160 इंटू 1800, आंसर आया 288000। बेस्ट आंसर कौन सा है हमारा, ए। तो ये था हमारा चैप्टर 4, इजी टॉपिक, शॉर्ट इजी जो चैप्टर था, शॉर्ट सा चैप्टर था, इसमें हमने मैक्सिमम बातें एक घंटे में ही कवर कर ली हैं। अब जो हमारी ग्रिड स्टार्ट हो रही है ना, ग्रिड ए हमारी तमाम हुई, पहले चार चैप्टर्स जो थे जिसे हम बेसिक मैथ कहते हैं, ग्रिड ए कहते हैं, वो हमारी पूरी हो गई। अब हमें ज़रा ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, चैप्टर 5 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो नेक्स्ट सेशन में आपको चैप्टर 5 की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, और उससे अगले दो चैप्टर्स, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 5 कि हम दो क्लासेस उसकी प्रैक्टिस पे लगा देंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं विद द चैप्टर 5 थ्योरी पोर्शन। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।